हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल। यहाँ पे इस वीडियो में हम एक साइकोलॉजी डिस्कस करने वाले ट्रेडिंग को लेकर, या जो इमोशंस होते हैं उसको लेकर, या इमोशंस कैसे हमें हर्ट करते हैं, या इमोशंस की वजह से कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, वो डिस्कस करने वाले। सो सबसे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ बताने वाला हूँ। और अब इस वीडियो का पर्पस क्या है, क्योंकि ये जो चीज़ है मेरे साथ भी पहले होती थी जब मैंने स्टार्ट किया था। मैं किस चीज़ की बात करूँ, ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग जो होता है ना, वो हमें लगता है कि हम ट्रेड्स को इतना हर्ट नहीं करते, या फिर हमें लगता है कि एक छोटा सा ट्रेड लेने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, स्मॉल ट्रेड लूँगा तो ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, तो मैं और दो चार ट्रेड ले सकता हूँ, मे बी दो तीन ट्रेड स्मॉल लॉस में चले गए, एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट हुआ तो मेरा पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। और हमारे इमोशंस जब मार्केट चालू रहता है, जब ऐसा मार्केट चालू है और कैंडल्स जब ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, तो हमारे इमोशंस के साथ कैसे हम खेला जाता है, या मार्केट हमारा हमें कैसे एक वीक माइंडसेट जिसका होता है उसको कितना हर्ट कर सकता है। देखो, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम अकेले बैठे हैं इस रूम में, स्क्रीन के सामने हमें कोई गाइड करने वाला दूसरा है नहीं कि भाई तू गलत कर रहा है, तू सही कर रहा है। ये पूरा मेंटल गेम है, अंडरस्टैंड दैट, कि मार्केट और ट्रेडिंग ये पूरा मेंटल गेम है। यहाँ पे आप कुछ गलती कर रहे हो, आपको बोलने वाला कोई नहीं है, आपने लाखों रुपए गवा दिए, आपको कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता। आप चुपचाप फंड्स ऐड कर देते हो, लोन ले लिया, कुछ भी ले लिया और ट्रेड करना शुरू कर दिया। बट इनिशियली जो एक दो साल होता है वो सबसे रफ होता है, और पहले के एक दो साल जो निकाल लेना उसका आगे की जर्नी अच्छी रहने वाली है, बिकॉज गेम है वो पहले साल ही टिकना मार्केट में। और अब क्या हो जाता है, जब आप ट्रेड करने लगते हो आपको बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, आपको सही प्रोसेस पता नहीं होता। अब मैं आपको थोड़ा एक बात बताता हूँ किस बारे में मैं बात कर। अब ये पर्सन है, ये मुझे डेली स्क्रीनशॉट भेजता है, राइट, डेली स्क्रीनशॉट भेजता है। और मैं जस्ट, ये हमारे लाइव स्ट्रीम के भी ट्रेड्स नहीं होते, समथिंग डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, ये बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स है और बहुत सारे और स्क्रीनशॉट्स थे जो कि मैंने डाले नहीं है, बट ठीक है, ये लास्ट एक साल के स्क्रीनशॉट्स थे। एंड आई कैलकुलेटेड कि चल रहा क्या है। जब मैंने यहाँ पे खोल कर देखा और यहाँ पे चीज़ें देखी, ट्रेड्स देखे, पहले तो चीज़ देखो कितने ट्रेड्स है, 140, ठीक है, अगर आगे चलते हैं उस पर के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 65 ट्रेड्स है, और इसे अगर हम थोड़ा और फास्ट करते जाएंगे 51, 65, 119, 57, 120, 21, 73, 108, 117, 153, 138, 63, 70 and so on। मतलब अगर आप एवरेज निकालने जाओगे मोस्टली 100 प्लस है, कुछ 50, 60 है। तो आप जस्ट, अगर हम यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटर ओपन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, ऑन एन एवरेज हम 65 का नंबर पकड़ लेते हैं। 65 एक ऐसा नंबर है, 100 से के काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स थे, 120, 140, तो हम एक 60 पकड़ लेते हैं, ठीक है, एवरेज। अब 65 ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड है जिसपे 20 रुपीज़ आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, प्लस आपको टैक्सेस भी हर ट्रेड के देने पड़ते, तो हम चलो कंसिडर करते 20 का ब्रोकरेज प्लस आप 20 टैक्सेस एंड चार्जेस मान लो पर ट्रेड, और ऑन एन एवरेज 65 ऑर्डर्स प्लेस हो रहे, तो 2600 के आसपास, 3000 के आसपास कहीं ना कहीं ब्रोकरेज लग रहा है, ठीक है, वो छोड़ देते, ब्रोकरेज तो एक साइड हो गया। उसके बाद अब जस्ट ये देखो, क्वांटिटी 600 की क्वांटिटी है, मतलब अगर 10 पॉइंट भी कैप्चर करते विच इज़ गुड, उसमें 6000 भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 3000 तो उसका ब्रोकरेज ही जाने वाला है अगर प्रॉफिट होता है तो। एंड मोस्टली ओवर ट्रेडिंग जो भी करता है, मोस्टली 90% चांस है कि उसका लॉस ही होने वाला है, 90-95%। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ट्रेड्स कितने रैंडम है, कि 2.8 पे बाय किया, 2.2 पे बेच दिया, फिर अब टाइमिंग देखो, हर मिनट पे ट्रेड लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे हर मिनट पे ट्रेड लिया गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आगे स्क्रीनशॉट देखोगे, देखो 15:59, 5 सेकेंड में ये ट्रेड बाय और सेल किया गया, अगेन लॉस में, 1-2 रुपये के लॉस में। यहाँ पे देखो 1 मिनट के अंदर ट्रेड, 1 मिनट के अंदर ट्रेड, और क्वांटिटी ठीक है 600-500, कभी लॉट साइज कम ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे क्वांटिटी एग्रेसिव ली गई। ट्रेड के स्ट्राइक प्राइस देखो 0.95, 0.50, मतलब ये दूर दूर के OTM स्ट्राइक प्राइस है। अगर आप टाइमिंग देखोगे यहाँ पे, अगेन सेकेंड्स के ट्रेड है, सारे सेकेंड्स के ट्रेड है, 600-600, 800-800 लॉट साइज इसमें, फिर आपको टैक्सेस एंड चार्जेस भी ज़्यादा लगता है। फिर अगर आप देखोगे सारे एक एक मिनट और
नंबर्स 120 बेस ऑर्डर्स है। तो ये जो चीज़ है ना, मुझे इसलिए बतानी है क्योंकि एक टाइम, और ये कॉन्स्टेंटली मुझे एक साल से स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, एवरी मंथ 10 के आसपास स्क्रीनशॉट्स आते हैं, और मोस्टली जो लॉसेस है वो भी लाखों में होते हैं। सो मुझे ये बोलना है कि मैंने ये बस एग्जांपल दिखा है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ये होता था, इतने ट्रेड्स प्लेस करता था, मैं सोचता था 1-2 रुपए ही चले, मतलब ऐसे ही सेकंड्स में बाय करता हूँ, फेवर में गया तो होल्ड कर लूंगा, अगेंस्ट गया तो एग्जिट कर लूंगा। लेकिन गाइज आप ये समझो कि क्या ये सही प्रोसेस है, क्या इससे आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकते हो, क्या ये मेथड है एक प्रोफेशनल ट्रेडर का, कि मतलब ये बता रहा है कि मतलब ये पिक्चर दिखा रहा है कि आपके ट्रेड के पीछे कोई दिमाग ही नहीं है, आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, चला तो चला, बने तो बने। अब ये रीज़न बताने का इसलिए ये भी है कि ये चीज़ आप भी कहीं ना कहीं करते हो और आप भी फील कर रहे हो कि ये चीज़ मैं करता हूँ, और जिस दिन आपका एक दिन अच्छा प्रॉफिट हो जाता है पहले दूसरे ट्रेड में, आप ये प्रोसेस करके पूरा प्रॉफिट गवा देते हो। ट्रेडिंग पूरा इमोशन गेम है, अगर आप सिर्फ स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहोगे तो आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर पाओगे, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी की एक प्रोबेबिलिटी जो होती है विनिंग साइड ही ज़्यादा होती है, बट हमारे इमोशंस आते हैं ट्रेड के अंदर जो ट्रेड को ख़राब कर देते हैं। अगर आप एक रोबोट की तरह ट्रेड करना शुरू करोगे, ऑनेस्टली आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कर पाओगे, और मार्केट में जब आप टाइम स्पेंड करते हो, सालों महीनों टाइम स्पेंड करते हो, तभी आप एक रोबोट की तरह बनना शुरू करते हो। मतलब आप देखो, एक डॉक्टर होता है, वो जब कोई सर्जरी करेगा सबसे फर्स्ट टाइम वो जब प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसके हाथ कांपेंगे कट्स करने के लिए, बट वही उसको 10 साल का एक्सपीरियंस आने दो, 10 साल के ऑपरेशंस करने दो, उसके बाद देखो बड़े से बड़ा ऑपरेशन, बड़े से बड़े सर्जरीज वो चुटकियों में करेगा और वहाँ पे उसको कुछ फील भी नहीं होगा, डर भी नहीं लगेगा। तो ऐसे ही होता है, आपको बस मार्केट में लॉन्ग टर्म बने रहना है, ताकि आप भी जो इमोशंस में ये चीज़ें हो रही है रैंडमनेस, ये बंद कर दो। अब यहाँ पे मेन रीज़न क्या होता है, जैसे आज का मार्केट यहाँ पे था, बहुत सारे फास्ट यहाँ पे 2x 3x गया, फिर ऊपर गया 5x बना, तो बहुत सारे मूव्स यहाँ पे आए, तो इसके वजह से जब ये आज का भी एक स्क्रीनशॉट आया जिसमें इस टाइम पे कम से कम 10-12 ट्रेड लिए गए थे। सो ये दिखाते हैं कि आप फोमो जो इमोशन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ट्रेड छूट रहा है, आज 10x हो रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आज के दिन में डेली एक्सपायरी है, एक्सपायरी रोज होने वाली है, टाइमिंग फ्यूचर में एक्सटेंड होने वाला है, मतलब आपके पास कितना टाइम है मार्केट में, कितने अपॉर्चुनिटीज है, 6000 से ज़्यादा स्टॉक्स है, अगर स्टॉक्स नहीं आपके पास क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, कमोडिटी है, 24/7 ओपन मार्केट्स रहते हैं क्रिप्टो के, फॉरेक्स के मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स ओपन रहते हैं, इतने अपॉर्चुनिटीज है, तो आपको जो मिस होने का डर है वो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ मिस नहीं हो रहा है आपसे, बहुत कुछ है। अगर आप कुछ परसेंट भी कैप्चर कर लो बहुत बड़ी रैली का, दैट्स मोर देन इनफ। जिस टाइम आप अपना एक्सपेक्टेशंस कम रखोगे मार्केट से, मतलब अगर 100 पॉइंट की रैली है तो आपको 100 के 100 पॉइंट चाहिए, ये एक्सपेक्टेशंस जब आप खत्म करोगे, बिकॉज यहाँ पर मैंने एक ट्रेड दिया था जो कि 2x हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट घूम के ये 5x चला गया, फिर भी चैट में था कि यार 5x मिस हो गया, यार ये मिस हो गया। तो ये जो माइंडसेट है लोगों का बहुत गलत जा रहा है। सो ये वीडियो बनाने का, या शॉर्ट वीडियो होगा, बस यही मोटो था बनाने का, आप भी ऐसी रैंडमनेस कर रहे हो तो इट्स हाई टाइम कि आप जो है ये बंद कर दो 100-200 ट्रेड। गाइस यहाँ पे जो एग्जीक्यूटेड है ना, ये 4-5-6 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, कभी भी याद रखो, अपना डेली गोल सेट कर लो। मैं तो बोलता हूँ, अगर आप बिगिनर हो, 1-2 लॉट से ट्रेड करते हो, ये नंबर 2 के ऊपर कभी जाना नहीं चाहिए, एक बाय और एक सेल, खत्म, अगले दिन आओ। अगर आपको ऑप्शंस में लग रहा है कि यार मेरा ट्रेड बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, या मुझे मार्केट में और एक्सपीरियंस गेन करना है, तो आप स्टॉक्स ट्रेड करो, बट ये जो नंबर है ये रिड्यूस करो, अगर लॉन्ग टर्म ग्रो होना है, अगर टेस्ट मैच खेलना है, पिच पे बने रहना है, तो वरना T20 में 1-2 दिन प्रॉफिट होगा, 6 मारोगे 4 मारोगे लेकिन तुरंत आउट हो जाओगे। सो इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है, और कमेंट में बताना क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आपने बहुत सारे ट्रेड लियो और फिर आपको मार्केट बंद होने के बाद लगा होगा मैंने क्या किया यार, ये क्या कर रहा था, और आपको रिग्रेट हुआ हो। ऑल्सो डू चेक आवर कोर्स FTC स्ट्रैटेजी, बेसिकली 2 वीडियोस का कॉम्बिनेशन है, 2 कोर्सेज का इसमें कॉम्बिनेशन है, IBZ 3.0 और फुल ट्रेंड कैप्चर। और अगर आपको 500 का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपके पास मास्टर बंडल है, जिसमें आपको लाइफ टाइम प्रीमियम चैनल मिल रहे, 20+ वीडियोज मिल रहे, अभी कूपन कोड भी चल रहा है 1000 ऑफ का, सो यू कैन चेक इट, आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यहाँ पर हमने साइकोलॉजी पे वर्क किए, टेक्निकल्स पे वर्क किए, ऑप्शंस के बेसिक्स पे वर्क किए, ट्रैप ट्रेडिंग पे वर्क किया है, पूरा आपको यहाँ पे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा सारे मार्केट्स के लिए।
अगर आप मास्टर बंडल लेते हो। और अगर आपको आईबीजेड को फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको बस अकाउंट ओपन करना है धन में, ट्रेड करना है और फॉर्म फिल करना है जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो यू कैन गेट एक्सेस टू द कोर्स। थैंक यू सो मच।